हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और दोस्तों, आज के सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑन फॉरेक्स। आप में से बहुत सारे लोग के क्वेश्चंस थे, क्वेरीज थी कि सर कुछ स्ट्रैटेजीज बताइए ताकि हम फॉरेक्स के जो ट्रेड कर रहे हैं उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सके, या कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज, इंडिकेटर्स, टेक्निकल एनालिसिस वगैरह बताइए जो हम फॉरेक्स के अंदर यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग को और बेहतर कर सकते हैं। और आप में से बहुत सारे लोगों के सवाल ये भी थे कि सर ये जो सारी स्ट्रैटेजीज आप बताते हैं जो हम क्रिप्टो में यूज़ करते हैं, स्टॉक मार्केट में यूज़ करते हैं, क्या उसको हम फॉरेक्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो मेरा आंसर है एब्सोल्युटली येस, आप कर सकते हो। मैं वो सारी चीज़ें आपको बताता हूँ जो आप ये तीनों मार्केट के अंदर यूज़ कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, तो आज के ये फॉरेक्स का जो सेशन है, ठीक है, इसके अंदर जो स्ट्रैटेजीज मैं आपको बता रहा हूँ वो क्रिप्टो में भी वर्क करेगी, स्टॉक मार्केट में भी वर्क करेगी। आप निफ्टी, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, BTC, इथेरियम भी किसी ऑल्ट कॉइन के अंदर भी ट्रेड करते हैं, तो ये स्ट्रैटेजी को उसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब आप में से बहुत सारे लोग जो नए हैं, जो आना चाहते हैं फॉरेक्स के अंदर, या आप में से कुछ लोग जो पहले से भी कर रहे हैं, उनका एक सवाल ये रहता है कि सर कौन सा बढ़िया प्लेटफॉर्म है। ठीक है, मतलब एक साफ़ सुथरा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम ट्रेड कर सकते हैं, या कहीं पर कुछ घपलेबाजी ना हो, इन शॉर्ट। ओके, तो देखिए, मेरे हिसाब से प्लेटफॉर्म्स तो बहुत सारे हैं, अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स भी हैं, और लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर एक प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करना है। आपको कोई एक प्लेटफॉर्म पकड़ना है। जब आप एक प्लेटफॉर्म, एक ही गाड़ी चलाते हैं ना जब कंटिन्यूस, तो आपके उस पर हाथ बैठ जाते हैं। ओके, आपकी परफेक्शन आ जाती है। तो मैं यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, कई सालों से यूज़ कर रहा हूँ, वो है OctaFX। OctaFX इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसके फीचर्स बहुत बढ़िया हैं। ओके, इनके ऑफर्स बहुत बढ़िया हैं जिनको आप ठुकरा नहीं सकते। इनके कुछ प्रमोशंस निकल के आते हैं वो बहुत बढ़िया हैं। इनके ट्रेड एंड विन जो ऑफर्स हैं वो भी बहुत बढ़िया हैं। ठीक है, तो ये सब तो इनके फीचर्स और ऑफर्स वगैरह बहुत बढ़िया हैं जो आप ट्रेड करते करते साइड में आपको मिलता रहता है, आप इंजॉय करते रहते हैं वो इंसेंटिव्स को। उसके बाद मेन रीज़न जो है इसको यूज़ करने का वो ये है कि OctaFX को 2019 का जो है बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर का अवार्ड मिल चुका है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ओके, उसके साथ ही इनका जो स्प्रेड होता है, ठीक है, वो बहुत कम रहता है। मतलब कि जैसे कि यूरो यूएसडी करेंसी पर हम पकड़ते हैं तो इसके बीच में जो गैप होता है, डेट इज़ कॉल्ड स्प्रेड, वो बहुत कम होता है। तो नॉर्मली ये जो गैप होता है स्प्रेड, इट्स नथिंग बट ये एक ब्रोकरेज है। जैसे हम स्टॉक मार्केट जैसे हमें ट्रेड करते हैं तो बाद में हमारे प्रॉफिट पे वो ब्रोकरेज वगैरह सब कट के बाद में हमें मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो स्प्रेड होता है वो ब्रोकरेज होता है। तो आप जब ट्रेड करते हो तो ऑटोमेटिकली वो ब्रोकरेज वोकरेज सब उसमें मिलकर ही होता है, और जो भी आपको प्रॉफिट होता है वो आपको डायरेक्टली मिलता है। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे ऑप्शंस हैं जो डिपॉजिट और विड्रॉल के बहुत अच्छे हैं, जैसे स्क्रिल है, नेट टेलर है, बिटकॉइन है, लोकल बैंक्स हैं, पेटीएम से, नेट बैंकिंग वगैरह से आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं और विड्रॉल भी कर सकते हैं विदाउट एनी इश्यू। जो भी आप इंडिया में भी करते हैं कोई इश्यू नहीं आता इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जब आपको अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करना है तो आप यहाँ ओपन अकाउंट पर क्लिक कर सकते हैं, बेसिक डिटेल्स डाल सकते हैं इसके अंदर, और उसके बाद सिंपल से KYC होता है, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ये सब कुछ जो भी डाल के आप कर सकते हैं। 15-20 मिनट के अंदर आपका अकाउंट पूरा अपलोड हो जाता है, लाइव आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इनका एक अच्छा खासा ऑफर चल रहा है कि डिपॉजिट जो होते हैं वो डबल हो जाते हैं। जैसे कि आप सपोज़ कीजिए अकाउंट ओपन करते हैं, $100 भी डिपॉजिट करते हैं तो वो $200 हो जाएगा, उसका आप ट्रेड कर सकते हो। 500 करते हो तो 1000 हो जाएगा, 5000 करते हो तो 10000 हो जाएगा। ठीक है, तो डबल डिपॉजिट का बेनिफिट है। और आप देख सकते हैं नीचे स्क्रीन पे प्रोमो कोड दिया हुआ है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ऐप पे जब आप डाउनलोड करते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसके बाद आप ये ऑफर कोड वहाँ पे डाल के कर सकते हैं, तो जो भी आप डिपॉजिट करोगे डबल हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है इसके अंदर। उसके साथ इसके प्लेटफॉर्म्स भी काफ़ी अच्छे अवेलेबल्स हैं। डेस्कटॉप पे प्लेटफॉर्म है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, एंड्रॉयड का कर सकते हो, iOS का कर सकते हो। तो MT4 जो है मैं आपको वही रिकमेंड करूँगा, वो आप डाउनलोड कर लेना डेस्कटॉप पे, इस तरह से रहता है और उसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे OctaFX 16 कार्स का ऑफर चल रहा है, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो हर महीने यहाँ पे क्या रहता है, एक एक कार मिलती है, उसके साथ और भी बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, वो भी आप ले सकते हो। ठीक है, और देखिए, एक जो अच्छे ब्रोकर की जो निशानी ये होती है कि वो डेमो भी देता है और ये भी कहता है कि भाई डेमो से भी आप अगर जीत जाते हो तो वो पैसा लेके जा सकते हो। ओके, ये कोई ब्रोकर नहीं कहता है। ओके, सब लोग डेमो अकाउंट टेस्ट के लिए देते हैं, यहाँ पर डेमो अकाउंट पर टेस्ट भी करो, पैसा भी कमाओ और लेके जाओ। तो यहाँ पे इनका चैम्पियन MT4 डेमो कॉन्टेस्ट है, आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं और आप क्वालिफाई करते हैं, आप जीतते हैं तो ये सारी प्राइजेज आप $500, $300 ये सब लेके जा सकते हैं। ठीक है,
तो ओवरऑल बहुत अच्छा है, आप वेबसाइट पे विजिट कर लेना, लिंक वगैरह सब दी हुई है, स्टडी कर लेना, बढ़िया लगे तो आप कोर्स इसको ज्वाइन करना, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं आपको फॉरेक्स की जो स्ट्रेटेजीज बता रहा हूँ यहाँ पे, इसमें इन स्ट्रेटेजीज को यूज़ करके हम तीन तरह की ट्रेडिंग करेंगे, दैट इज ट्रेड विथ ब्रेकआउट्स करेंगे हम, ठीक है। सेकेंड जो है ट्रेड विथ ट्रेंड करेंगे हम, ट्रेंड किस हिसाब से जा रहा है उसी हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। तीसरा जो है ट्रेडिंग विथ मार्केट का जो टॉप्स लगता है और बॉटम्स, ठीक है। तो हम इसको तीन सेशन के अंदर डिवाइड करेंगे, ठीक है। हम एक ही के अंदर घिचपिच करके नहीं करेंगे, ताकि कन्फ्यूजन जो है वैसा काम नहीं करेंगे। आज जो है मैं आपको ट्रेड विथ ब्रेकआउट्स बताऊंगा, ओके। फिर नेक्स्ट सेशन में ट्रेड विथ ट्रेंड बताएंगे, और उसके बाद जो होगा ट्रेडिंग विथ टॉप्स एंड बॉटम्स करेंगे, ताकि आपको एकदम परफेक्टली आपके दिमाग में सारी चीज़ें आ जाए कि किस हिसाब से करना है, ठीक है। एक साथ नहीं करेंगे इसके अंदर, ओके। तो ये जो तीनों ट्रेडिंग टेक्निक्स हैं, ओके, इसमें हम कुछ इंडिकेटर्स वगैरह यूज़ करेंगे। कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो हम यहाँ पे EMA करेंगे, ओके, डबल EMA यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके साथ हम बॉलिंगर बैंड यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तीसरा जो होगा हम SAR यहाँ पे यूज़ करेंगे, यानी कि स्टॉप एंड रिवर्सल जो होता है उसको यूज़ करेंगे हम तीसरा यहाँ पे। चौथा रहेगा ऑसिलेटर रहेगा, जो होगा RSI होगा। पांचवा जो ऑसिलेटर होगा वो होगा स्लो स्टोकैस्टिक रहेगा, ओके। और छठा जो हिस्टोग्राम रहेगा वो होगा MACD का, ठीक है। अभी आप सोचोगे सर एक तो समझ आता नहीं है, और आप एक साथ छः छः बताओगे हमको, ये तो बहुत बड़ी कन्फ्यूजन वाली चीज़ हो जाएगी। कन्फ्यूजन नहीं होगी, कहते हैं ना 10 लोग हैं और 10 में से अगर 2 लोग कह रहे हैं कि भाई हाँ ये सही है, हाँ ये सही है, तो ज़्यादा लोग उस पर फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन 10 में से अगर 6 लोग बोलेंगे कि हाँ ये सही है, ये सही है, ये ऐसा होना चाहिए, तो लोग बिलीव करेंगे कि हाँ ये सही है, ठीक है। तो वहाँ पे यही चीज़ है कि हम जो मेन फोकस है हमारा, डेट इज़ ऑन कन्फर्मेशंस, ठीक है। जितनी ज़्यादा कन्फर्मेशंस होंगी उतना बेस्ट हमको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और ये कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बहुत इजी है, जब मैं आपको बताऊंगा क्या है, ओके। क्योंकि बॉलिंगर बैंड पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, RSI के ऊपर मैंने बनाई हुई है, स्टोकेस्टिक के ऊपर बनाई हुई है, MACD के ऊपर भी बनाई हुई है, ठीक है। तो कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे आपको समझने में, अगर नहीं समझ आता तो भी आप वो पुराना देख सकते हो। लेकिन मैं हमेशा की तरह जो ट्रेडिंग के अंदर चीज़ें ज़रूरत हैं वही आपको बताना है, वही आपको सीखना है। कोई ज़्यादा थ्योरेटिकली और डीप इनसाइड जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई एग्ज़ाम एग्ज़ाम हमें देना नहीं है, ठीक है। तो जितनी ट्रेडिंग में ज़रूरत है उतना ही सीखेंगे, जितनी कैलकुलेशन हमें सीखना है उतना ही सीखेंगे, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे भाई ये फार्मूला कौन सा ही क्या, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो फार्मूला सीखने के लिए कोई हमको ट्रेडिंग में पैसे नहीं मिलने वाले, सीधा इंप्लीमेंट करेंगे, जहाँ देखेगा एंट्री एंटर मारो, एग्जिट निकलो, ओके। अब जितने भी इंडिकेटर्स हैं उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं इन शॉर्ट एकदम। पहला जो था हमारा EMA, यहाँ पे हम 2 EMA यूज़ करेंगे, 10 एंड 15। EMA मतलब क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। हम यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम स्कैल्पिंग डे ट्रेडिंग करेंगे तो हमेशा उसमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करना। बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं कि 5 मिनट का चार्ट लेते हैं, उस पर सिंपल मूविंग एवरेज लेके बैठ जाते हैं, रिजल्ट नहीं मिलेगा उसमें। यू हैव टू यूज़ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। यहाँ पे ये सेटिंग करनी है। देन आता है हमारा बॉलिंगर बैंड्स। बॉलिंगर बैंड्स की सेटिंग सिंपल है, 22 और 2, ठीक है, इस हिसाब से करना है। उसके बाद आता है आपका SAR आता है, यानी कि स्टॉप एंड रिवर्सल, इस तरह से इसको बोला जाता है, यानी कि मार्केट में कब रिवर्सल आता है वो करना है। तो ये जो होता है ये डॉट्स होते हैं ऐसे, ठीक है। अगर ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्राइस के नीचे से ऐसे से डॉट्स जाएंगे, अगर प्राइस नीचे आने वाला होगा तो प्राइस के ऊपर से डॉट्स यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे, ओके। ये होता है। और बॉलिंगर बैंड्स तो आपको पता ही है कि पहले कंस्ट्रिक्ट जोन होता है, इस तरह से ऐसे रहता है, फिर बाद में जाके इस तरह से खुल जाता है, ओके, ऐसे हो जाता है। और EMA तो आपको पता है कि मूविंग एवरेज कैसे कैसे चलती है, बाद में ओवरलैप भी होती है, इस हिसाब से
चलता है। ओके, देन आता है आपका RSI आता है। RSI के भी आपको डिफॉल्ट सेटिंग जो होती है वही रखनी है, ठीक है। और RSI आपको मोमेंटम बताता है कि मार्केट में कितना मोमेंटम है, ठीक है। अगर 80 के पास है यानी कि ओवरबॉट हो चुका है, अगर 20 के पास है तो ओवर सोल्ड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिफॉल्ट सेटिंग यूज़ कर रहे हैं RSI की। देन जो रहता है स्लो स्टोकेस्टिक रहता है, ठीक है, इसको भी डिफॉल्ट सेटिंग रखना है। और इस तरह से रहेगा, ये नीचे जो ऑसिलेटर रहेगा उसमें आपको दो मूविंग एवरेजेस वगैरह दिखेंगे, ठीक है, ओवरलैप कर रही है। उसके बाद मैकडी रहेगा। मैकडी इज़ नथिंग बट मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, कब डाइवर्जेंस हो रहा है कब कन्वर्जेंस हो रहा है वो रहता है। तो ये इसका हिस्टोग्राम रहेगा। हिस्टोग्राम मतलब कि इस तरह से रहेगा, ऐसे ऐसे लाइंस रहेंगी, ओके। एक ज़ीरो रहेगा और ये ऊपर की तरफ लाइंस होंगी, फिर कभी कभी नीचे की तरफ आएंगी लाइंस, इस तरह से रहेंगी, फिर कम होंगी, फिर ऊपर की तरफ इस तरह से लाइन चल हो जाएंगी ऐसे ऐसे, ठीक है। जो ऊपर रहता है बुलिश है, जब नीचे रहता है तो बेरिश रहता है, ठीक है। तो ये हमारे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये हो गया पूरा। ओके, समझ गया, सिर्फ बेसिक्स मैंने बताया, बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन है और इसके अंदर है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, बॉलिंगर बैंड है, SAR है। अगर मैं SAR को एक एक करके पहले बंद करता हूँ ताकि आपको चीज़ें दिखें, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मूविंग एवरेज है, ठीक है, एक 10 का मूविंग एवरेज है और दूसरा 50 का मूविंग एवरेज है। ओके, जब भी प्राइस, ध्यान से सुनिएगा, जब भी प्राइस 10 और 50 से ऊपर चल रहा है चीज़ें बुलिश है, प्राइस ट्रेंड ऊपर की तरफ जाएगा, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अभी हम मिक्स करेंगे, सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ बॉलिंगर बैंड, ठीक है। तो ये बॉलिंगर बैंड है और बॉलिंगर बैंड मैंने आपको पहले भी समझाया था, यहाँ पे आप देखिए ये बॉलिंगर बैंड पहले खुला हुआ चलते हुए आ रहा है इस हिसाब से, ठीक है। और ये जो लाइन है ना, ये कंस्ट्रिक्ट चल रही है, साइड वेव चल रही है इस हिसाब से, ओके। और यहाँ से क्या हुआ, ये खुला, यहाँ से इस सेक्शन से खुला, और ये जो ब्लू लाइन है ये मिड लाइन है। और जैसे ही आप देख सकते हैं मिड लाइन से ऊपर ग्रीन कैंडल्स हैं, डेट मीन्स कि प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। तो प्राइस यहाँ पे ऊपर की तरफ गया और ये जो प्राइस था लगभग 1.185 था और उसके बाद 1.186 के आसपास आ गया, लगभग कह सकते हैं कि 16 पिप्स का यहाँ पे और प्रॉफिट हुआ। फिर हमने बॉलिंगर बैंड में क्या बात की थी कि जब भी कैंडल बैंड के बाहर जाए ट्रेड करे और फिर ट्रेड अंदर करने लगे तो उसका मतलब है कि प्राइस नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पे जो कैंडल्स थे बाहर गए, उसके बाद से अंदर चालू हुआ तो प्राइस नीचे की तरफ आया, ठीक है। तो बॉलिंगर बैंड्स का मतलब ये है। अभी हम स्ट्रैटेजी पूरा मिक्स करके करेंगे, कंफर्मेशन निकालेंगे, अभी इंडिविजुअली हम डिसीजन नहीं लेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये बॉलिंगर बैंड था, ओके। अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर, हम बात करते हैं बॉलिंगर बैंड के बाद आता है SAR आता है, ठीक है। देखो SAR मैंने ऑन किया, SAR का मतलब क्या रहता है कि जब ट्रेंड ऊपर की तरफ जाने लगता है तो क्या रहता है, ये जो राउंड राउंड कलर बॉल्स हैं रेड कलर के, ये प्राइस के नीचे नीचे चलते रहेंगे, ठीक है। यानी कि ऊपर की तरफ का ट्रेंड है, प्राइस ऊपर जाएगा, ओके। और जब प्राइस नीचे आने वाला होगा तो प्राइस के ऊपर से ये बॉल्स रहेंगे, तो आप ये समझ सकते हो कि ट्रेंड नीचे का है। जब ये सीक्वेंस चेंज हो तब आप समझ लो कि ट्रेंड भी वापस से चेंज होने का हो सकता है, ओके। और नेक्स्ट है मैकडी की बात करते हैं। हिस्टोग्राम जो है सिंपल सा है, जब भी आपको यहाँ पे दिखे ग्रीन वाले कैंडल स्टार्ट हो रहे हैं, यू शुड टेक लॉन्ग एंट्री। जब तक ये डार्क रहता है तब तक आप पोजीशन को पकड़ के रखो। जब ये डार्क ग्रीन जो रहते हैं हल्के होते हैं, लाइट ग्रीन में होते हैं, तो आप पोजीशन को खाली करना चालू कर दो, ठीक है। फिर वेट करो वापस से डार्क ग्रीन कब स्टार्ट होता है, और उसी तरह से जब रेड स्टार्ट होने लगे यानी कि प्राइस नीचे जाएगा, सिंपल सी चीज़ है। RSI आप लोग को पता है ऊपर आता है, यहाँ से शॉर्ट करो, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो RSI है उसके बीच में आप 50, जो सेंटर लाइन है ना, एक लाइन ओपन कर लो यहाँ पे 50। जब भी 50 से ऊपर RSI चल रहा है डेट इज़ बुलिश साइन, यानी कि ट्रेंड ऊपर की तरफ है, प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है। तो आपको यहाँ पे एंट्री का सोचना रहता है, ओके। यहाँ पे 50 से जब ऊपर होता है, जब 50 से नीचे चल रहा है तो आप थोड़ा बेरिश सोचो RSI को लेके कि शायद प्राइस नीचे की तरफ जा सकता है, ओके। तो ये चीज़ हो गई। और बाद में है स्लो स्टोकेस्टिक है, वो भी सेम चीज़ है, जब ऊपर की तरफ रहेगा ओवरबॉट पे गिन आएगा, जब नीचे की तरफ रहेगा ओवरसोल्ड की तरफ रहेगा, ओके। ये इतनी चीज़ें हैं।
अब हमारी एंट्री की बात करते हैं, कैसे हम इसमें एंट्री लेंगे। ओके, आप सपोज कीजिए हमने सारी चीज़ें ओपन करके रखी है, ओके, और हम यहाँ पे हैं। सबसे पहले हमको नज़र यहाँ डालना है, इसको नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि जो बॉलिंगर बैंड है वो एग्जैक्टली क्या बता रहा है। अगर बॉलिंगर बैंड इस तरह से चल रहा है, एकदम कंस्ट्रिक्ट है, तो हमें वेट करना है फॉर द ब्रेकआउट। तो जब प्राइस इस कंस्ट्रिक्ट जोन के अंदर चल रही है, यहाँ पे चल रही है, हमने यहाँ पे नोटिस किया कि ये जो बैंड है ना, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ऐसे चल रहा है, उसके बाद से थोड़ा ऐसे जा रहा है, स्टार्ट ही हुआ है यहाँ पे, ओके, ऐसे हुआ है, और यहाँ पे ग्रीन कैंडल हमारा रेडी हुआ है इस तरह से ऊपर, यहाँ पे भी रेडी हो गया, ठीक है। तो डेट मीन्स कि प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, पहली कंफर्मेशन ये हो गई। अब ये 15 मिनट का कैंडल है, आप 5 मिनट भी कर सकते हैं, 15 मिनट का कैंडल है। तो 15 मिनट का कैंडल है, आपको अगर यहाँ पे ये इंडिकेशन मिल गया कि बड़ा सा ग्रीन कैंडल मिला है, तो आपके पास नेक्स्ट 15 मिनट हैं बाकी चीज़ों को चेक करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, दैट इज़ मोर देन इनफ। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये आपको कैंडल मिल गया पहला चीज़, ओके, ब्रेकआउट हो रहा है ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये देखते हैं कि ये जो प्राइस है नेक्स्ट 10 EM में और 50 EM से ऊपर है कि नहीं। तो प्राइस जो है, ये जो हमारा 10 EM था ऑरेंज और ब्लैक से ऊपर की तरफ है, तो ये भी एक हो गया हमारा, ठीक है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ क्या है कि SAR क्या नीचे से स्टार्ट हुआ है, वो भी स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे तीनों प्लस बोलते हैं कि प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, अब हम नीचे आ जाते हैं, इसी कैंडल के नीचे की तरफ आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं कि सेल प्रेशर का जो मोमेंटम है कम हो चुका है, आप एकदम हल्का रेड हो गया। हल्का रेड के बाद क्या होता है, डार्क ग्रीन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हमें इंडिकेशन है कि यहाँ पे अब प्रेशर ग्रीन का स्टार्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे भी हमें कंफर्मेशन है कि भाई प्राइस अब ऊपर जाएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसी तरह एकदम यहाँ पे आते हैं, RSI पे आते हैं। तो RSI जब 50 से ऊपर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 से ऊपर है, डेट मीन्स कि बुलिश मोमेंट हमें प्राइस ऊपर तक जाएगा। हमें कहाँ तक कवर करना है, यहाँ तक कवर करना है, 70 या 80 RSI के आसपास तक हमें कवर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें एक प्लस पॉइंट मिल गया। उसके बाद से इसी तरह से लाइन में नीचे से हम यहाँ पे देखते हैं, ओके, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्लो स्टोकेस्टिक था उसमें भी जो रेड वाले को इसने ओवरलैप किया है, ठीक है, डेट इज़ ऑल्सो ए पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पे भी हमें अच्छा खासा कन्फर्मेशन मिल गया कि प्राइस ऊपर जाएगा। तो सपोज़ कीजिए हम यहाँ पे पहुँच गए थे, ओके, इधर, और उसके बाद से नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे रेड हुआ और यहाँ पे लाइट ग्रीन चालू हो गया होने को। ओके, तो जहाँ लाइट ग्रीन हो आप वहाँ से एग्जिट कर लो। या दूसरी चीज़, जब भी एक डार्क ग्रीन है उसके साथ का ही एक और डार्क ग्रीन है सेम हाइट का, ओके, देन ऑल्सो यू शुड एग्जिट। ओके, कुछ सोचना नहीं है, आपको फटाफट बहुत सारे मौके मिलेंगे। ओके, भले 5 पिप मिलता है, 10 पिप मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉफिट आप बुक करो, क्योंकि यही स्कैल्पिंग है। आप स्कैल्पिंग में ये मत सोचो कि आपको 5 मिनट के अंदर ही सीधा 200 पिप मिल जाएगा, 300 पिप मिल जाएगा, मिल सकता है, लेकिन आप इस तरह से पकड़ के चलो। हमारा टारगेट क्या है डेली का, डे ट्रेडिंग 50 से 250 डॉलर कमाना ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बहुत सारे लाइव ट्रेडिंग ही बताई है ऑक्टा एफएक्स की करके, जिसके अंदर हमने लाइव जो है एक दिन के अंदर गोल्ड के अंदर 80 ट्रेड्स डाले थे और बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ था, 500 1000 डॉलर के आसपास आराम से हमने बनाया था, ठीक है, विथ ए स्मॉल मार्जिन। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हो, समझ गए। यहाँ पे दूसरा इंडिकेशन यहाँ पे क्या मिलता है, ये भी मिलता है कि ये भी एकदम टॉप पे चली गई यहाँ पे, तो यहाँ से भाई एग्जिट कर लो। ये भी आप देख लो, यहाँ पे एग्जिट कर लो, ठीक है, सारे इंडिकेशंस हमें मिल जाते हैं। ओके, तो ये जो सेशन में हमने क्या सीखा, ट्रेड विथ ब्रेकआउट्स, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये पहला सेशन समझ आ गया होगा, ट्रेड विथ ब्रेकआउट्स क्या है और किस तरह से ये 6 इंडिकेटर्स को हमें यूज़ करना है। थोड़ा बहुत हो सकता है कि यहाँ प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़े, लेकिन फिर भी देख लो, अभी आपके सामने गोल्ड का मैंने चार्ट ओपन किया है, ठीक है। क्या दिख रहा है बीच में आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है, कुछ नहीं करना है। कब करना है, जब ये कैंडल यहाँ पे आ जाता है, उसका वेट करो, यहाँ से एंट्री लो, एंट्री लो, प्रॉफिट कमाओ। फिर यहाँ पे देखो प्राइस पहले बाहर ट्रेड की है, करने दो, तब तक आप लॉन्ग बना के रखो,
फिर जब प्राइस जब अंदर आ जाए ना ट्रेड करने बैंड के अंदर, ठीक है, तब आप अपनी शॉर्ट की तैयारी करो। शॉर्ट मारो, शॉर्ट मारो मारो, फिर जब प्राइस पूरा बैंड को यहाँ पे तोड़ता है तो यहाँ पे एग्जिट कर लो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रेड विद ब्रेकआउट्स। और वीडियो अगर पसंद आई होगी, एनालिसिस पसंद आई, स्ट्रेटजी पसंद आ रही है, और मैं जो समझा रहा हूँ थोड़ा भी अगर अंदर घुस रहा है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना, बेल आइकन पर क्लिक करना, ताकि और भी आने वाली जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। ओके, इसके बाद का जो सेशन होगा उसके अंदर हम बात करेंगे ट्रेड विथ ट्रेंड्स। ट्रेड विथ ट्रेंड्स जो होगा उसके अंदर यही सारी चीज़ यूज़ करेंगे, लेकिन स्ट्रैटेजी पूरी बदल जाएगी। ठीक है, मतलब कि ट्रेड विथ ट्रेंड का मतलब क्या हुआ, चलती गाड़ी है उसके अंदर चढ़ो और गाड़ी रुकने से पहले उसमें से उतर जाओ, डेट इज़ कॉल्ड ट्रेड विथ ट्रेंड। पूरा फॉर्मूला उसका अलग है। ठीक है, उसके बाद ट्रेडिंग विथ मार्केट टॉप्स एंड बॉटम्स, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तीन वीडियो का सेशन होगा, आज ही पहला है, इसके बाद दो और वीडियोस बनेंगे। वीडियोस को लाइक ज़रूर करना ताकि मुझे पता चले कि भाई आप लोग को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग की आगे सीखने की इच्छा है कि नहीं, तो मैं अकॉर्डिंगली उस पर काम करूँ ना। सही बात है ना, तो उसको लाइक ज़रूर करना। ठीक है, फाइनल ये कहूँगा कि फॉरेक्स में अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ऑक्टा एफएक्स जो है उसके ऊपर भी एक नज़र डालना, स्टडी कर लेना, बढ़िया लगे तो ज़रूर अकाउंट उसमें क्रिएट करना और प्रोमो कोड को यूज़ करो, डिपॉजिट को डबल करो। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।